हेलो डियर, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज सुनील कुमार राव फ्रॉम साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, इस समय हम लोग बी फार्म थर्ड ईयर में सिक्स सेमेस्टर का जो टॉपिक चला है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक। तो आज हम लोग टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ, यूनिट फर्स्ट में है फार्माकोकाइनेटिक मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इन GIT, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म पढ़ना। आइए देखते हैं। करें जब आप टैबलेट या फिर लिक्विड लेते हैं, ये टैबलेट है कैंबिफ्लान, हमारे पास टैबलेट है। इसको जब हम टैबलेट को या फिर लिक्विड सिरप को जब हम ओरली लेते हैं तो क्या होता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट रूट को क्रॉस करके रूट ऑफ, मतलब ये करें किसी भी रूट से दवा लीजिए, लेने के बाद कहाँ पर पहुँचे, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँचे। जब ड्रग सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचती है तो क्या होता है, ड्रग सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचती है तो उसके बाद क्या होती है, ड्रग अगर फ्री है तो रिसेप्टर पे पहुंच के तुरंत एक्शन देगी। यदि हमारी ड्रग किसी ब्लड में किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल से बाइंड है तो बाइंड होने के बाद क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल जब मतलब हमारा कोई ड्रग मॉलिक्यूल्स प्रोटीन मॉलिक्यूल से बाइंड होता है तो बाइंड इसलिए तक उसको रिसेप्टर तक पहुंचाया जाए, ठीक ना। तो ब्लड के थ्रू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जुड़ता है तो उसको रिसेप्टर तक पहुंचा दिया जाता है, रिसेप्टर पे पहुंच जाता है तो पूरा उसको क्या करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स छोड़ देता है, वापस में ब्लड में आ जाता है और जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल्स है रिसेप्टर पे पहुंच के रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है और अपना फिर फ्री होकर एक्शन देता है, ठीक। यही इसका मैकेनिज्म होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक क्या करते हैं देखते हैं, करें कि एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट या फिर मूवमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ड्रग मॉलिक्यूल्स का मूव करना, किसी भी रूट से आप ड्रग को दीजिए उसका सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाना अनचेंज फॉर्म में टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट पॉइंट करें, ड्रग का सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचना ही, ड्रग का सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचना ही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट पॉइंट करें, ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट करें, अ ड्रग इज अ केमिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट अफेक्ट्स द बॉडी एंड इट्स फंक्शंस। Drug absorption is when a drug enters the bloodstream. The level of absorption can affect the speed and the quantity of the drug at the site of action. This is termed bioavailability. If a tablet releases the drug quickly, blood levels may become too high, whereas slow release may result in low levels of absorption. Additional factors affecting absorption and bioavailability include the properties of the drug and the physiology of the person, such as pH levels in the stomach and its speed of emptying. Therefore, specific formulations are used to release the drug at the desired speed. Common formulations include tablets, capsules, suppositories, transdermal patches, and solutions. Drug metabolism is the process by which the body breaks down drugs, which mainly occurs by means of enzymes located in the liver. Many factors, including intake of specific foods and other drugs, can increase or decrease the speed at which drugs are broken down, and thus determine their levels within the blood. A drug may be broken down to stop it from working. However, there are other drugs that need to be broken down or modified before they become active. These are known as prodrugs. Some drugs are directly eliminated from the body by the kidneys in urine. For this to happen, the drug must be water soluble. ये टाइप्स ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट है। तो पहला कह रहा है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें क्या होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ड्रग हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूव करता है। और क्या होता है, इसे फिक्स लाक डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। ये मेंट फॉर लिपिड सॉल्युबल ड्रग, ये जनरली लिपिड सॉल्युबल ड्रग के लिए होता है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ आसानी से जाता है। ड्रग मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि ड्रग हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। मैक्सिमम ड्रग ट्रांसपोर्ट थ्रू इट, मैक्सिमम दवाएं इसी पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मतलब एब्जॉर्ब होकर कहाँ पर जाती हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती हैं, GIT को क्रॉस करके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये ड्रग के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जितना अधिक कंसेंट्रेशन उतना अधिक सर्कुलेटरी सिस्टम में एब्जॉर्ब होगा।
इट आल्सो कॉल नॉन आयनिक डिफ्यूजन, इसको हम नॉन आयनिक डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, देखो ये क्या है कि इधर आपका वाटर सॉल्युबल ड्रग है, इधर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। वाटर सॉल्युबल जो ड्रग है इसमें क्या हम सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये इसका हेड होता है, ये टेल होता है, इधर ही हेड है टेल है, ये इसका एक्स्ट्रा वेस्कुलर है, इधर क्या है इंट्रा वेस्कुलर। मतलब हम जब ड्रग लेते हैं तो GIT को क्रॉस करके हमारी इंट्रा सेलुलर मतलब ब्लड में पहुंचता है, तो क्या होता है करें जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होता है बहुत कम आता है सेल मेम्ब्रेन को, क्या करता है बहुत कम क्रॉस कर पाता है, जबकि हमारा लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग है वो ज़्यादा क्रॉस कर जाता है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, मैक्सिमम ड्रग कहाँ पे पहुंच जाता है हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। क्यों मैक्सिमम ड्रग का मतलब जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है अधिक क्यों क्रॉस कर रही है, क्योंकि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो भी लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल होता है और ड्रग भी लिपिड सॉल्युबल है। ठीक, अब इसके बाद क्या कर रहा है, 90% ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम दिस मेथड, 90% लगभग ड्रग जो होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होती हैं क्रॉस होती हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती हैं। इट फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसका किसको फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। एग्जाम्पल क्या है, मैसे पैरासिटामॉल रेनेटिडिन ओमेप्राजोल, मैक्सिमम ड्रग सीधे सीधे बोल दो। ठीक है ना, फिगर में सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन दिखा गया है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं क्या है। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड क्या करा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ड्रग हमारे GIT से कहाँ पे पहुँचता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, कैसे पहुँचता है आइए देखते हैं। करे इसमें ड्रग आता है लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं, मेंट फॉर वाटर सॉल्युबल ड्रग, ये किसके लिए होता है जनरली वाटर सॉल्युबल ड्रग के लिए होता है। इसमें क्या आता है ड्रग हमारा लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है, इससे क्या आता है फास्टर देन डिफ्यूजन, इफ डिफ्यूजन से फास्टर होता है, ड्रग मूव फ्रॉम द लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। ठीक, इट रिक्वायर्ड एनर्जी, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्योंकि कोई चीज़ लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में जाएगा तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इट वर्क एज कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें किसकी जरूरत पड़ती है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है। इसमें देखो आपका जो ड्रग मॉलिक्यूल्स दिखा रहा है, अब ड्रग मॉलिक्यूल्स को लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ ले जाएंगे तो किसकी जरूरत पड़ रही है एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। ठीक है ना, एग्जाम्पल क्या है इसमें, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ग्लैक्टोज है, लिवोडोपा, मेथाइलोपा, ये सब इसका क्या है एग्जाम्पल, हाई कंसेंट्रेशन से मतलब एक्स्ट्रा वेस्कुलर से इंट्रा वेस्कुलर में लाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के थ्रू ड्रग कहाँ पे जाता है एक्स्ट्रा वेस्कुलर से इंट्रा वेस्कुलर मतलब हमारे GIT को क्रॉस करके कहाँ पे आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, कैसे आता है आइए देखते हैं। करेक्ट, कि फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या आता है, थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ड्रग मॉलिक्यूल्स क्या आता है फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 100 थ्रू 7 एंगस्ट्रॉम पोर्स। इसमें क्या होता है जो सेल मेम्ब्रेन होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 7 एंगस्ट्रॉम का जो पोर होता है उससे ड्रग मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा वेस्कुलर से इंट्रा वेस्कुलर में आ जाते हैं, लेकिन जो ड्रग का पार्टिकल साइज होता है वो 100 से कम होना चाहिए, 100 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। एग्जाम्पल का यूरिया है, एथाइलिन ग्लाइकॉल है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, करे कि बल्क फ्लो, अब बल्क फ्लो में क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है 40 एंगस्ट्रॉम का पोर साइज होता है, उसके थ्रू ड्रग मॉलिक्यूल्स क्या होता है क्रॉस होता है पैसेस अक्रॉस द कैपिलरी वाल्व 40 एंगस्ट्रॉम पोर साइज, इट इज आल्सो कॉल्ड पोर ट्रांसपोर्ट। अब देखिए बल्क वाले में क्या होता है ड्रग मॉलिक्यूल्स जो पोर साइज है बड़ा है तो इसमें ड्रग मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा गिरेगा, और जो 7 एंगस्ट्रॉम का पोर साइज था फिल्ट्रेशन वाला उसमें क्या था पोर साइज छोटा था उसमें ड्रग मॉलिक्यूल्स कम क्रॉस होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट और इसको क्या बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर से ड्रग कहाँ पे आ रही इंट्रा सेलुलर में आ रही है। नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं क्या है, नेक्स्ट क्या है फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ड्रग हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है, ड्रग हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है, इसमें फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ड्रग मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन से टू लो कंसेंट्रेशन एंड रिक्वायर्ड कैरियर। अब इसमें कैरियर की जरूरत पड़ के जा रही है, क्यों जरूरत पड़ जा रही है कि ड्रग हमारा रिसेप्टर से जब बाइंड होता है तो उसमें क्या जरूरत पड़ रही है एक कैरियर की जरूरत पड़ती है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स,
ड्रग में हमारा जो रिसेप्टर से जो ग्लोबुलिन परमी ग्लोबुलिन एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन जो प्रोटीन मॉलिक्यूल जुड़ रहा था वो किसका काम करता है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहा था। अब उसको ड्रग रिसेप्टर काम को कहाँ पहुँचा देगा, उसके रिसेप्टर तक पहुँचाया जाएगा। तो जब रिसेप्टर तक पहुँचा देगा तो फिर उसके बाद प्रोटीन उसको छोड़ देगा, तो इसको बोलते हैं ड्रग इंट्रैक्शन। तब क्या होगा, ड्रग क्या होगा अपने रिसेप्टर से जुड़ के तब क्या करेगा, अपना रिस्पॉन्स देता है। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, अप टू टेक ग्लूकोज बाय सेल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का जो सेल डिवीजन होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का जो डाइजेशन होता है, एक इसमें आता है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में। ठीक ना, एक ड्रग हमारा एक्स्ट्रा सेलर से इंट्रा सेलर में आ रही है। एग्जाम्पल क्या है, विटामिन B12 भी इसमें आता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का एक्स्ट्रा सेलर से इंट्रा सेलर में लाने के लिए कैरियर की जरूरत पड़ती है और ये फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट को फॉलो करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाइड एज वेसल्स। सेल मेम्ब्रेन हमारा किसका काम करता है, वेसल्स का काम करता है। इसमें क्या होता है, ड्रग मॉलिक्यूल्स गेट इनगल्फ्ड। इसमें ड्रग मॉलिक्यूल्स को क्या कर लिया जाता है, इधर आप देख सकते हैं इनगल्फ कर लिया जाता है, सेल मेम्ब्रेन को इनगल्फ करके उसको कहाँ पर पहुँचाता है, इंट्रासेलुलर में भेज दिया जाता है। एग्जाम्पल का है, फैट है, स्टार्च है, इंसुलिन है, विटामिन है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, व्हेन लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम आउट फ्रॉम द सेल दैट इज कॉल्ड, सॉरी एक्सोसाइटोसिस। क्या लिखा है, एक्सोसाइटोसिस में क्या था, व्हेन लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम आउट फ्रॉम द सेल दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। सेल मॉलिक्यूल्स से ड्रग मॉलिक्यूल्स का बाहर आना, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, ड्रिंकिंग ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है, फेगोसाइटोसिस, इसको क्या कहते हैं, ईटिंग द सॉलिड मटेरियल पार्टिकल या फिर पैथोजन्स। आवर WBC इंगल्फ द पैथोजन्स एंड डाइजेस्ट इट, ये हमारे किस में आता है, फेगोसाइटोसिस में। बस यही था इसका मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू GIT। ओके, हाँ आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम नॉन पर ओरल एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट। अब ड्रग क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब तो हो रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम में, लेकिन ओरल के अलावा। अभी तो ड्रग हम लोग कैसे ले रहे थे, ओरली ले रहे थे, तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिसको हम ओरली नहीं लेते हैं, लेकिन वो हमारे कहाँ पर पहुँचता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में एब्जॉर्ब होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, ड्रग लेते थे प्री ओरल डिलीवरी में, कहते थे ड्रग हमारे कहाँ पे जाता था, GIT में जाता था। GIT में एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होकर कहाँ पे जाता था, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता था। इसको बोलते थे प्री सिस्टेमिक इलिमिनेशन। इसको क्या बोलते थे, प्री सिस्टेमिक इलिमिनेशन। फिर लीवर से मेटाबोलाइट होकर बाहर आ जाता था। ठीक, लेकिन हम जो पर ओरल पढ़ रहे हैं, पर ओरल में क्या होता है, रूट बाईपास द प्री सिस्टेमिक इलिमिनेशन। अब हमारा रूट क्या होता है, प्री सिस्टेमिक इलिमिनेशन को क्या कर जाता है, बाईपास कर जाता है। तो इसमें क्या होता है, कौन कौन से ड्रग ऐसे होते हैं जो किसको फॉलो करते हैं, पर ओलर एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट को। करा कि आकुलर ड्रग डिलीवरी, जो आकुलर मतलब कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिसको हम आंखों में अप्लाई करते हैं, वो ड्रग क्या होता है, डायरेक्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँचता है। नेजल डिलीवरी, नेजल जो हम नाकों में डालते हैं दवा, वो भी डायरेक्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँचता है, तुरंत अपना एक्शन देता है। पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी, पल्मोनरी मतलब जो हम लंग्स में देते हैं, वो ड्रग हमारे कहाँ पे डायरेक्ट पहुँचती है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँचती है और अपना एक्शन देती है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बक्कल या सबलिंगुअल ड्रग, जो जीभ के नीचे रखी जाती है और चीक और गम के बीच में रखी जाती है, वो सब ड्रग कहाँ पे डायरेक्ट, जैसे वो हार्ट की दवा आती है ना, हार्ट अटैक की जो दवा आती है आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, उसको हम जीभ के नीचे रखते हैं, तुरंत रिस्पॉन्स देती है क्योंकि डायरेक्ट ब्लड में जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेक्टल डिलीवरी। रेक्टल डिलीवरी में क्या आता है, जैसे सपोजिटरी जो पोजिटरी जाता है, जो लैट्रिन के रास्ते दिया जाता है, वो भी डायरेक्ट कहाँ पर पहुँचती है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँचती है, तुरंत क्या आती है, एब्जॉर्ब होकर रिस्पॉन्स देती है। वेजाइनल, ऐसे वेजाइना में कुछ ड्रग रखी जाती है, वो भी तुरंत सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँच के एब्जॉर्ब मतलब रिस्पॉन्स देती है। एक लास्ट है ट्रांसडर्मल, जो हम अपने स्किन सर्फेस पर अप्लाई करते हैं, वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँच के तुरंत एब्जॉर्ब होती है। इसी को हम बोलते हैं नॉन पर ओरल एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट के थ्रू ड्रग का एब्जॉर्प्शन। ठीक, ये देखो दिखा रहा था बक्कल रूट जो होता है, बक्कल रूट में हम जब ड्रग को कहाँ रखते हैं, चीक और गम के बीच में रखते हैं। आवर सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सो दैट लिपिड सॉल्युबल ड्रग मैक्सिमम एब्जॉर्ब।
आवर सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, मॉडिफाइड फॉस्फोलिपिड बाई लेयर दैट इज दैट लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है। आयसन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन लिपिड सॉल्युबल का ड्रग क्या होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। अब हम जो दवा जीआईटी के थ्रू ले रहे थे तो क्या हो रहा था, ढेर सारे फैक्टर क्या कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे इस ड्रग को सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, जब हम ड्रग कैसे ले रहे थे, जीआईटी के माध्यम से, ठीक है ना। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, जब हम दवा खाते हैं ओरली लेते थे तो ड्रग हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं पहुंच रहा था, तो मतलब रिस्पांस नहीं आ रहा था, कहते आप डॉक्टर साहब दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं फायदा हो रहा था, आइए देखते हैं। रीजन दो हो सकता है, कि तो दवा खराब है या फिर पेशेंट गड़बड़ है, कि तो दवा गड़बड़ है या फिर पेशेंट गड़बड़ है, आइए देखते हैं क्या गड़बड़ है। सबसे नंबर पर कह रहा है कि देयर आर सेवरल फैक्टर अफेक्ट विच अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन, ढेर सारे फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन प्रभावित हो रहा है। पहले नंबर पे दिखा रहा है कि फार्मास्यूटिकल फैक्टर, क्या दिखा रहा है, फार्मास्यूटिकल फैक्टर में क्या है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती गड़बड़ है, या फिर पार्टिकल साइज ऑफ, पार्टिकल साइज एंड सर्फेस एरिया, ड्रग का पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, सर्फेस एरिया क्या है बहुत कम है, हो सकता है ये रीजन है। पीएच ऑफ द बल्क ड्रग, जो बल्क सैंपल है ड्रग है उसका पीएच बहुत गड़बड़ है, इसकी वजह हो सकती है। नेचर ऑफ ड्रग, ड्रग के नेचर पे डिपेंड करता है, हो सकता है एसिडिक बेसिक ड्रग है इसलिए रिस्पांस नहीं कर पा रही है। और क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग एंड सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग, ड्रग की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, सेल्फ लाइफ बहुत कम है, इसलिए क्या होती है ड्रग रिस्पांस नहीं कर रही, ये सब रीजन हो सकता है, फार्मास्यूटिकल फैक्टर बोलते हैं। और क्या हो सकता है, फार्मुलेशन फैक्टर, फार्मुलेशन फैक्टर में क्या हो सकता है, ड्रग की डीटी और डिजोल्यूशन गड़बड़ है, मतलब ड्रग हम जब खा रहे थे तो पेट में जाने में क्या टूट नहीं रहे थे, घुल नहीं रहे, मतलब पत्थर बनाए थे क्या, हो सकता था पत्थर बना होगा। ड्रग का हार्डनेस वही है, हार्ड बहुत ज़्यादा कठोर हो गई है, हर ड्रग का थिकनेस बहुत मोटा हो गया है ड्रग, और क्या हो गया, बहुत मोटा बना दिए हैं। ड्रग की सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, वाटर सॉल्युबल ड्रग है, इस पर भी डिपेंड करता है कि भैया आपको लिपिड सॉल्युबल बनाना था, वाटर सॉल्युबल बना दिए थे, रिस्पांस कम दे रही है। नेक्स्ट क्या है, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में एक्टिव है कि इनएक्टिव, कैसा आप मतलब इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि ड्रग रिस्पांस देगी कि नहीं देगी, ठीक। ये सब फैक्टर है, और एक पेशेंट रिलेटेड फैक्टर बताए थे ना, पेशेंट गड़बड़ हो सकता है, तो पेशेंट में क्या होता है, पोसोलॉजी जैसे एज है, सेक्स है, बॉडी वेट है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और क्या हो सकता है, डिसऑर्डर, कोई डिजीज है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो भैया आप कोई प्रॉब्लम हो उसके लीवर किडनी में लंग्स में, तो आप हाई डोज चला रहे हो, ठीक ना। तो ये सब, और हो सकता है पेशेंट क्या है, एज है, एज बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा डोज चला रहे हैं, ठीक ना, या फिर बहुत ज़्यादा एज है तो बहुत कम डोज चला रहे हैं, तो एज है, सेक्स है, बॉडी वेट है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सही समय पे नहीं दवा दे रहे हैं, बोला गया था सुबह खाली पेट लेना, आप भर पेट ले रहे हो, दूध के साथ बोला गया था, दही के साथ, पानी के साथ ले रहे हो, तो जो चीज़ जिसके साथ बोला जाता है जब उसके साथ नहीं लेंगे तो हो सकता है, इसलिए दवा रिस्पॉन्स नहीं करती, ठीक ना। तो दोनों रीजन हो सकता है कि फार्मुलेशन फैक्टर और पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, दोनों फैक्टर होते हैं जो ड्रग को सर्कुलेटरी सिस्टम में एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। ओके, धन्यवाद।